आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है। यह मई अप्रैल 2021 का है, नीटर स्कीम के अनुसार है। ये जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई, माइनिंग, माइन सर्वेइंग ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है। तो यह सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का है। तो इसका जो है हम क्वेश्चन नंबर एक का सी जो है हम देखते हैं, जो कि प्लेन स्केल से है। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ लिखा है। अब जो है हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे बनाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन रायपुर टू बिलासपुर इज 100 किलोमीटर। रायपुर कहता है क्वेश्चन में कि रायपुर से बिलासपुर के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर। एंड इन द मैप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 किलोमीटर। और मैप में क्या दिखाया जा रहा है कि एक सेंटीमीटर को कितना दिखाया जा रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ये दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, और मैप में क्या दिखाया जा रहा है, 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर दिखाया जा रहा है। तो इसका आरएफ क्या होगा, तो हम आरएफ जानते हैं कि आरएफ बराबर लेंथ ऑफ डिस्टेंस बटा एक्चुअल लेंथ होता है। तो लेंथ ऑफ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक्चुअल लेंथ कितना है, एक्चुअल लेंथ है 5 किलोमीटर। अब 1 सेंटीमीटर जो कहते हो लिख देंगे, अब 5 किलोमीटर, 5 × 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हम 1 किलोमीटर के जगह पर हम 1000 मीटर लिख सकते हैं, मीटर हम लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 × 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। अब हम हमको पता है कि ऊपर में जो राशि है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन नीचे की राशि क्या है, मीटर में है। एक तरह का रेशियो लेते हैं, तो इसमें हमें जो राशि है सेंटीमीटर को, तो हम मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे या सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 × 1, 2, 3 × 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1 मीटर के जगह पर 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, अब आ जाएगा इसका 1/5 × 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 10^5, ये इसका आरएफ आया। आरएफ हमें कितना आया,
आरे बराबर एक बटा पांच गुने 10^5, ये हमारा आरएफ आ गया। तो यहां पर पूछ रहा था कि व्हाट इज आरएफ हियर, तो यहां पर आरएफ हुआ एक बटा पांच गुने 10^5। अब कहता है कि ड्रा ए प्लेन स्केल। अब इसकी आरएफ मिलने के बाद अब इस आरएफ की सहायता से एक प्लेन स्केल बनाए। ड्रा ए प्लेन स्केल लॉन्ग इनफ टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन रायपुर से बिलासपुर। रायपुर से जो बिलासपुर के बीच की जो दूरी है उसको आप स्केल में दिखाइए। तो हम जानते हैं कि आरएफ बराबर लेंथ ऑफ डिस्टेंस बटा एक्चुअल लेंथ होता है। आरएफ हमको पता है कि एक बटा पांच गुने 10^5 और लेंथ ऑफ डिस्टेंस बटा कितना है, तो एक्चुअल लेंथ 100 किलोमीटर है। 100 यहां लिख देंगे किलोमीटर। अब हम त्रिज्या गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ स्केल बटा 100 किलोमीटर बटा 5 × 10^5। अब हम जानते हैं कि 100 × 1 किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमें 10^5 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके सेंटीमीटर आएगा। और यहाँ पर है 5 × 10^5। यहाँ पर हम देख रहे थे कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर, अब हम 1000 × 1 मीटर को जब हम बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर में आएगा, 100 सेंटीमीटर यानी कि 10^5। 1, 2, 3, 4, 5, 10^5 सेंटीमीटर आएगा। तो 1 किलोमीटर में 10^5 सेंटीमीटर होगा, इसलिए हम इसे यहाँ पर 10^5 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख दिया है। अब 10^5 नीचे भी है, 10^5 ऊपर में भी, कट गए। अब इसे हम काटेंगे तो 5 × 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर आएगा, टोटल 20 सेंटीमीटर आएगा। अब हम एक स्केल बनाएंगे, प्लेन स्केल बनाएंगे जिसका कि जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। ए 15 और 5 20 सेंटीमीटर। तो हम एक स्केल बनाएंगे जिसका कि डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा। अब हम यहां देंगे नाम, इस पॉइंट को नाम देंगे ए और यहां लिखेंगे बी। अब ए के जगह पर हम लिखेंगे रायपुर, आर ए आई पी यू आर, और बी के जगह पर हम लिखेंगे बिलासपुर, बी आई एल ए एस पी यू आर, बिलासपुर। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम भी लिख देंगे
बीच का डिस्टेंस जो है वो डायमेंशन, इन दोनों को बीच कर देंगे इस तरह से, डायमेंशन कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 100 किलोमीटर किलोमीटर, और साथ ही साथ नीचे आरएफ दर्शा देंगे, आरएफ बराबर 1/5 × 10^5। तब इस तरह से कोई भी समझ जाएगा कि इसका आरएफ 1/5 × 10^5 है और इसका जो डिस्टेंस है वो मेजर करके समझ जाएगा कि इसका जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर को जब इसमें आरएफ में गुना भाग करेगा तो 100 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के बना सकते हैं। तो चूंकि इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आया था तो हमने बता दिया है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो फिर भी आप कमेंट करें, मैं उसका समाधान अवश्य दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।